सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे में एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंग लेके गया था, फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं, सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। ताकि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि यह लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है, यह सिद्धांतों की लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है।